हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं चैलेंज शेखा हूँ। एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि टॉप रीजंस ऑफ कंप्रेसर ओवरहीट, यानी कंप्रेसर जो है गर्म होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो एसी एरर कोड एप्लीकेशन है, अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर एरर कोड्स के साथ, काफ़ी कंपनीज के एरर कोड के साथ और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो एसी टेक्नीशियंस के लिए ज़रूरी है, जिसमें से एक फ़ीचर है वायरिंग डायग्राम्स। काफ़ी सारे वायरिंग डायग्राम्स मिल जाएंगे उसमें आपको। और एक और फीचर है आर्टिकल सेक्शन, जो अभी हमने रिसेंटली 15 डेज बैक ही लॉन्च किया है। तो इस आर्टिकल सेक्शन में मैं रेगुलरली आर्टिकल्स अपडेट करते रहता हूँ एसी टेक्नीशियंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है कैपेसिटर वीक होना, क्योंकि रोटरी कंप्रेसर में हम रनिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं नॉर्मली। ओके, तो रनिंग कैपेसिटर क्या होता है, ओवर वर्क पीरियड ऑफ टाइम वो वीक हो जाता है। यानी अगर 30 का कैपेसिटर लगा हुआ है तो 25 या उससे नीचे भी जा सकता है वो। ओके, अगर 20 के नीचे चला जाता है तो कंप्रेसर स्टार्ट होते ही वो ट्रिप हो जाएगा ओवरलोड लेके। लेकिन अगर वो 25 के ऊपर रहता है या 25 के करीब करीब रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो कंप्रेसर स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप, कैपेसिटर चेक कीजिए अगर आपका कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है तो। और इसके साथ में आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि कंप्रेसर का भी एम्पियर जो है, अगर अभी 5 एम्पियर ले रहा है कंप्रेसर, ओके स्टार्ट किया है आपने एसी तो 5 एम्पियर ले रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो एम्पियर है बढ़ते जाएगा और वो गर्म होने भी लग जाएगा। तो ये जो मेन इसका जो रीज़न है वो है कैपेसिटर वीक होना। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है वोल्टेज। ओके, काफ़ी जगहों पर क्या होता है कि वोल्टेज लो होता है रात के टाइम पे। आपने देखा होगा गर्मियों में काफ़ी जन एसी यूज़ करते हैं तो वोल्टेज लो हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम के वजह से भी हमारा जो कंप्रेसर है, इसको पावर नहीं मिल पाती घूमने के लिए, और ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारे जो कंप्रेसर है उसको ओवरहीट करने का। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कंप्रेसर टर्मिनल लूज। तो काफ़ी समय हमने देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा हमने कि जो कंप्रेसर है उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ओके, तो लूज़ होने की वजह से क्या होता है, जो पावर है कंप्रेसर को सही तरीके से नहीं मिल पाती, और इसी वजह से भी जो है ओवरहीट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि स्पार्किंग के वजह से, ओके स्पार्किंग के वजह से वहाँ पे जो है लूज़ कॉन्टेक्ट हो जाता है, या एक खाली कनेक्टेड होगा वो बराबर से फिक्स नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि हायर एम्पियर होने की वजह से, 5 एम्पियर 6 एम्पियर इतने एम्पियर होने की वजह से जो कंप्रेसर है उसको परफेक्ट पावर नहीं मिल पाती, और इसी वजह से भी वो ओवरहीट होने के चांसेस होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है कंडेंसर चोक। इसमें क्या होता है कि जो कंडेंसर अगर चोक हो गया, आपका एयर कूल्ड कंडेंसर है तो चोक हो गया, तो उसमें क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट है वो टेम्परेचर उसका डाउन होना चाहिए था, वो डाउन नहीं होगा कंडेंसर में जितना होना चाहिए। ओके, तो इसी वजह से जो कंप्रेसर है उसमें हाई प्रेशर की जो है रेफ्रिजरेंट जाएगी सक्शन लाइन के थ्रू, और वो हाई प्रेशर की रेफ्रिजरेंट और हाई होके कंडेंसर से बाहर निकलेगी। तो इसी तरह से क्या होता है, जो ओवरऑल सिस्टम का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट हो जाता है। रीज़न नंबर फाइव है ऑयल। ओके, लेस ऑयल इन द कंप्रेसर, यानी कि जो कंप्रेसर है उसमें कई बार हमने देखा होगा कि वो ऑयल पंप करने लग जाता है। ओके, हमने देखा है सक्शन लाइन में ऑयल आ जाता है, तो कई बार क्या होता है जो कंप्रेसर है उसकी रीड्स खराब हो जाती है, कंप्रेशन में अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से जो कंप्रेसर है ऑयल भी डिस्चार्ज कर देता है, और जो ऑयल है वापस अगर बैक नहीं आया कंप्रेसर में इंस्टॉलेशन की वजह से या कोई और चीज़ की वजह से अगर बैक नहीं आता है, तो इसमें क्या हो जाता है, कंप्रेसर में ऑयल की जो मात्रा है वो जितनी रिक्वायर है उससे कम हो जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, जो कंप्रेसर में मूविंग पार्ट्स हैं उनको कूलिंग करने के लिए जो उनमें फ्रिक्शन ना हो, ओके उनको फ्रिक्शन ना हो उसके लिए हम उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, और अगर ऑयल उसके अंदर जो मात्रा है उससे कम होगा तो जो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन की वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होता है। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है कंडेंसर जो फैन है। ओके, कंडेंसर का जो फैन है ये नॉर्मली स्प्लिट एसी में देखा जाता है। ओके, जो कंडेंसर का फैन है अलग होता है। ओके, अगर कंडेंसर का फैन का जो कैपेसिटर है वो वीक होता है, ओके तो वीक होने की वजह से कंडेंसर फैन कैपेसिटर क्या करेगा, जो फैन है वो स्लो घूमेगा, वो स्लो घूमने की वजह से कंडेंसेशन नहीं होगा। और जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा था कि कंडेंसेशन अगर नहीं होगा तो ओवरऑल सिस्टम का जो प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो हमारा कंप्रेसर है वो ओवरहीट हो सकता है। हमारा 7th पॉइंट है फिल्टर एंड कैपिलरी चोक, और ये फुल्ली चोक नहीं बोल रहा हूँ मैं, पार्शियली चोक। ओके,
तो इसमें क्या होता है, जो कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद हमारी रेफ्रिजरेंट जाती है फिल्टर में, फिल्टर के बाद आगे ड्रायर फिल्टर में होके वो कैपिलरी में जाती है फिल्टर होने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली चोक होने की वजह से, अगर आपका फिल्टर ड्रायर पार्शियली चोक है तो इसमें क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट की मात्रा है वो आगे कम जाएगी, लेकिन कंडेंसर और कंडेंसर के बाद जो लिक्विड लाइन है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट की वजह से जो कंप्रेसर है उसके डिस्चार्ज साइड में लोड आता है, और इसी लोड की वजह से जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है हाई हीट लोड, यानी कि अगर आपका कंप्रेसर है और आपका जो रूम है या कोई भी एयर कंडीशन स्पेस है जहाँ पे आपने एसी लगा रखा है, ओके, वो एक टन का आपने एसी लगा दिया है वहाँ पे, और जो वो जगह है वो वहाँ पे 2 से 2.5 टन के आपको ज़रूरत है, तो इस केस में क्या होगा कि उसका जो मशीन है उसका कंप्रेसर कंटिन्यूस चलता रहेगा, और कंटिन्यूस चलने की वजह से काफ़ी घंटों के बाद में, 8 घंटे 9 घंटे चलने के बाद कंटिन्यूस अगर वो चलता रहेगा एसी, तो उसका जो कंप्रेसर है ओवरहीट होके ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्रेसर्स है वो नॉर्मली 3 से 4 घंटे बाद में ओवरहीट होने लग जाते हैं, इसीलिए कंप्रेसर कट ऑफ होना भी बहुत ज़रूरी है। 9th पॉइंट है हमारा लेस रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, यानी कि अगर सिस्टम में लेस रेफ्रिजरेंट होगा तो इस केस में भी जो कंप्रेसर है कंटिन्यूस चलता रहेगा, जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा था हाई हीट लोड केस में, तो उसमें भी कंप्रेसर कंटिन्यूस चल रहा था, और इस केस में भी जो कंप्रेसर है कंटिन्यूस चलता रहेगा, और इस कंटिन्यूस चलने की वजह से जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होके ट्रिप हो सकता है, तो ये भी एक रीज़न है ओवरहीट ट्रिपिंग का। हमारा पॉइंट नंबर 10 है, जो हम कंप्रेसर इंस्टॉल करने के बाद अगर वो ओवरहीट हो रहा है तो क्या, तो इस केस में ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम ब्रेजिंग करते हैं तो हमारा जो पोजीशन है वो सही नहीं होता, या तो हीट बराबर से उसे जॉइंट्स में मिलती नहीं है, और इसी वजह से क्या होता है हमें काफ़ी मटेरियल उसके ऊपर ओवरलोड करना पड़ता है। तो अगर आपका जो ब्रेजिंग मटेरियल है वो सक्शन और डिस्चार्ज पोर्ट के अंदर चला जाता है, कई बार ऐसा होता है, ओके, ये नॉर्मली ज़्यादा किस में होता है, जब हम स्मॉल पोर्टेबल टॉर्च यूज़ करते हैं, तो अगर आप नए मैकेनिक है और आपका जो मटेरियल है वो अगर ज़्यादा चला जाता है सक्शन और डिस्चार्ज पोर्ट के अंदर, तो इस केस में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है अगर सक्शन में ज़्यादा आपका जाता है मटेरियल तो आपको सक्शन प्रेशर कम दिखाएगा, सक्शन प्रेशर कम दिखाएगा तो आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे, रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे तो रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी है सिस्टम में वो बढ़ जाएगी, और इसी वजह से जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सेम अगर आपका वो जो मटेरियल है डिस्चार्ज पोर्ट में ज़्यादा चला जाता है, ओके, जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें ज़्यादा मटेरियल आपका चला जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो सिस्टम है आपका कंप्रेसर से बाहर जो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर में आ रही है वो वहीं पे पोर्ट में रुक रही है, और वहाँ से थोड़ी आगे भी जा रही है लेकिन थोड़ी वहाँ पे रुक रही भी है, तो इसी वजह से जो बैक मारेगा कंप्रेसर को और ये ओवरहीट के चांसेस रहते हैं, सेम जैसे हमने कैपिलरी और फिल्टर भी देखा है। इसके बाद का जो 11th पॉइंट है, ओके, तो 11th पॉइंट है एयर इन द सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में एयर है, ओके, इंस्टॉलेशन के टाइम पे या हमने कुछ रिपेयरिंग के टाइम पे हमने बराबर से वैक्यूमिंग नहीं की सिस्टम, पर्जिंग कर दी और वो सही हुई नहीं है, ओके, तो एयर सिस्टम में अगर एयर है तो ये केस में भी जो है हमारा जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होके ट्रिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और इस केस में तो जल्दी कंप्रेसर ग्राउंड होने के भी चांसेस होते हैं, ओके, तो इसके बाद का जो हमारा पॉइंट नंबर 12 है, ओके, तो ये जो पॉइंट है ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हमारे जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग में यूज़ नहीं होते अभी नॉर्मली, रेफ्रिजरेटर और जो हमारी रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है उसमें यूज़ होते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आपने देखा होगा रिले यूज़ होता है, तो काफ़ी समय बाद क्या होता है कि रिले भी हीट होने के बाद में या डिफेक्टिव होने के बाद में रिले परफेक्टली काम नहीं कर पाता, जो स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग है उसे चेंज नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी जो है कंप्रेसर ओवरहीट होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली ये रिले हम जो रोटरी कंप्रेसर है उसमें तो यूज़ नहीं करते, खाली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे 12 पॉइंट्स जो कंप्रेसर ओवरहीट होने के कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको कुछ दिमाग में आता है कि इसके अलावा भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए ताकि सबको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।